गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर क्वेश्चन मैथमेटिक स्टैंडर्ड क्लास टेंथ टर्म टू का सॉल्व करना चाह रहे हैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए फोर्टी मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका टर्म टू का फोर्टी मार्क्स क्वेश्चन आपका टू आवर्स का टाइमिंग आपका कितना है टू आवर्स नेक्स्ट आपको दिखा दिया जाता है कि क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ द फोर्टीन क्वेश्चन थ्री सेक्शन ए बी सी में बटा हुआ, में हुआ A, six, six है तीन सेक्शन में बटा हुआ है आपका सेक्शन ए छः सिक्स क्वेश्चन है जिसमें टू मार्क्स का आपका क्वेश्चन और फिर सेक्शन बी में आपका फोर क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का और सेक्शन सी में आपका फोर क्वेश्चन फोर मार्क्स का चलिए सेक्शन ए से हम लोग सोल्व करते हैं पेपर को सेक्शन ए से हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में देखते हैं आपका टू मार्क्स का है चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्वेंटी फाइव एंड ए फिफ्टी फोर द ए पी फोर द ए पी सिक्स नाइन टूल्व फिफ्टीन देखिए ए पी दिया हुआ है आपको चलिए ए पी हम सजा लेते हैं आपका देख फर्स्ट ऑफ़ ऑल ए पी दिया हुआ है तो ए पी आपका किस टर्म में दिया हुआ है सिक्स नाइन टवेल्व चलिए इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं आपका ए का वैल्यू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्वल टू एक्वल टू सिक्स सिक्स डी इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री आपका डी इक्वल टू थ्री आ गया चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे एफ ट्वेंटी फाइव ए ट्वेंटी फाइव निकालने के लिए आपको चलिए पेपर को इस तरफ करते हैं ए ट्वेंटी फाइव ए ट्वेंटी फाइव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे टीन टी ट्वेंटी फाइव जस्ट लाइक टी ट्वेंटी फाइव तो ए प्लस ट्वेंटी फोर डी होगा ट्वेंटी फोर डी तो ए का वैल्यू आपका सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू डी डी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा डी का वैल्यू आपका थ्री थ्री तो पुट कीजिए सिक्स प्लस सेवेंटी टू टोटल ऐड करके आपका सेवेंटी एट कितना आ गया आपका सेवेंटी एट चलिए सेवेंटी एट ऐड करके आया चलिए एट ट्वेंटी फाइव अब हम लोग क्या निकालते हैं एट ए फिफ्टीन ए फिफ्टीन आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ए फिफ्टीन ए फिफ्टीन निकालने के लिए ए प्लस फोर्टीन डी फोर्टीन डी तो ए, ए का वैल्यू सिक्स फोर्टीन इंटू डी का वैल्यू आपका थ्री तो यहाँ से आपका सिक्स प्लस फोर्टी टू फोर्टी टू इट मीनस फोर्टी एट कितना हो गया फोर्टी एट एक सेवेंटी एट ए ट्वेंटी फाइव चलिए पेज यहाँ से ले लेते हैं ट्वेंटी फाइव इक्वल टू आया सेवेंटी एट सेवेंटी एट और A ए फिफ्टीन का वैल्यू फोर्टी एट चलिए क्वेश्चन में आपका कह रहा था आपका कि एट ट्वेंटी फाइव माइनस एट फिफ्टीन का वैल्यू तो एट सेवेंटी एट माइनस फोर्टी एट इट मीन्स आपका सेपरेट करके कितना आ जाएगा थर्टी तो आंसर आपका थर्टी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या कहता है देख लीजिए इसी में का और क्वेश्चन नंबर और इफ द सेवन टाइम्स ऑफ सेवन टाइम्स ऑफ द सेवन टाइम्स द टर्म ऑफ द इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म्स द द वैल्यू ऑफ द टर्म्स तो ट्वेल्थ टर्म्स निकालना है आपको इट मीन्स आपका किस तरह से आपको जाना पड़ेगा चलिए ट्वेल्थ टर्म्स निकालना है तो आपको सेवन टाइम्स ऑफ द एपी सेवन टाइम्स ऑफ एपी टी तो सेवन चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे टी सेवन तो टी सेवन टी सेवन सेवन इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ फाइव टाइम्स टी फाइव टाइम्स चलिए और भी तो यहाँ से आपका सेवन टाइम्स का क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस सिक्स डी सेवन टाइम्स ऑफ ए डी सिक्स डी सेवन टाइम्स ये सेवन टाइम्स है अब ये आपका फिफ टाइम्स ऑफ फाइव डी इट मीन्स फाइव मल्टीप्लाई फाइव इस इसम मल्टीप्लाई फाइव कर दीजिए इसमें सेवन चलिए तो ये सेवन से मल्टीप्लाई हो गया नेक्स्ट आपका फाइव इन टू ए प्लस फाइव टाइम्स का आपका फोर डी फोर डी फिफ्ट फिफ्थ टर्म्स को ए प्लस फोर्डी में लिख सकते हैं अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए सेवन ए सेवन ए प्लस फोर्टी टू डी सेवन सिक्स है फोर्टी टू डी फाइव ए फाइव और ट्वेंटी डी चलिए ए वाले टर्म को एक साथ लेकर आ जाइए तो सेवन ए माइनस फाइव तो फाइव ए इक्वल टू टू ए प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस आपका राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में तो टू ए टू ए अब यहाँ फोर्टी टू डी फोर्टी टू डी में से हम लोग कितना डी को सब करेंगे ट्वेंटी डी को तो कितना बचेगा आपका ट्वेल्व डी कितना डी ट्वेल्व डी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो चलिए ट्वेल्व या ट्वेंटी टू डी ट्वेंटी टू डी ट्वेंटी टू डी बचेगा कितना ट्वेंटी टू डी चलिए आपका टू ए प्लस ट्वेंटी टू डी यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं टू चलिए टू कॉमन ले लेते हैं टू कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका ए प्लस एलेवन डी एलेवन डी इक्वल टू जीरो तो ए प्लस एलेवन डी इक्वल टू जीरो इट मीन्स यहाँ पर गया तो जीरो बच गया तो ए प्लस एलेवन डी इक्वल टू जीरो यहाँ से ए प्लस एलेवन डी का वैल्यू क्या होगा ए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस इलेवन डी लिख सकते हैं तो ये कौन सा टर्म्स होगा ट्वेल्थ टर्म्स तो आपका आंसर हो जाएगा टर्म्स टी टी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एम एक्स इन टू इन टू फाइव फाइव एम एक्स फाइव फाइव एक्स माइनस सिक्स देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरियर है आपको यहाँ प्लस नाइन भी होना चाहिए देखिये एम एक्स एम एक्स तो है ही आपका इंटू फाइव एक्स माइनस सिक्स और प्लस क्या होना चाहिए नाइन होना चाहिए इक्वल टू जीरो ये था आपका क्वेश्चन है टू इक्वल रुट्स इक्वल रुट्स निकलना है चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं आपको एम इंटू फाइव इंटू एम फाइव इंटू एम चलिए फाइव इंटू किया था तो फाइव एम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका सिक्स एम एक्स हो जाएगा एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एम एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो चलिए यहाँ से आपको क्या निकालना है एक्स का वैल्यू तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव एम बी का वैल्यू माइनस सिक्स एम माइनस सिक्स एम और सी का वैल्यू नाइन तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेते हैं डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर ए सी तो बी स्क्वायर बी का वैल्यू आपका माइनस तो सिक्स एम का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए का वैल्यू फाइव एम और सी का वैल्यू नाइन चलिए सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो थर्टी तो सिक्स एम स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी और मल्टीप्लाई कीजिए ट्वेंटी और वन एट्टी वन एट्टी एम इक्वल टू जीरो चलिए यहां से आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए थर्टी सिक्स एम क्या कर दिए हम लोग कॉमन ले लिए तो बचा क्या एम माइनस फाइव एम माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो एम माइनस फाइव एक एम का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो और एम माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इट मीन्स एम इक्वल टू फाइव तो एक एम का वैल्यू आया फर्स्ट एम का वैल्यू जीरो और सेकेंड एम का वैल्यू एम इक्वल टू फाइव तो रिजेक्टिंग द जीरो क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा बट एम इन आंसर एम का वैल्यू फाइव आंसर आपका क्या हो जाएगा फाइव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका चलिए कंस्ट्रक्शन से आपका सर्कल से फ्रॉम द पॉइंट पी पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर द ड्रोन टू द सर्कल जीरो आर ओ पी इक्वल टू ओ पी इक्वल टू टू आर दिया हुआ ओ पी इक्वल टू टू आर चलिए देन द फाइंड द एंगल ए पी बी वाट इज द टाइप ऑफ द ट्रैंगल इज द ए पी बी ए पी बी आपको पूछ रहा है किस टाइप का ट्रेंगल है ए पी बी चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे जो दिया हुआ उसका सर्कल सर्कल तो अब देख चुके हैं चलिए यहां से हम लोग ट्रायंगल किस में चल जाते हैं देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी बी ए पी ओ ए पी -ओ, ए पी ओ ए पी ओ ट्राइंगल हम लोग ए पी ओ यहाँ हम लोग ठिटा कर लेते हैं सपोज तो ये थीटा सपोज कर लिए चलिए तो साइन इक्वल टू OP होगा ओ ओ पी। ये हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया तो पी वाई एच मान इक्वल टू ओपी साइन थीटा इक्वल टू तो ओ ए का वैल्यू आर और ओ पी का वैल्यू टू आर तो यहां से आर आर कैंसिल आउट तो इक्वल टू वन बाई टू कितना बचा वन बाई टू तो साइन थी किसका हुआ तो साइन थर्टी का वैल्यू साइन थर्टी का वैल्यू तो थीटा इक्वल टू तो कितना आ गया आपका थर्टी यहां से साइन इक्वल टू थर्टी डिग्री आ गया इट मीनस एंगल ए पी बी अब यहां से हम लोग ये साइन थीटा मैंने एंगल एंगल ए ओ पी एंगल ए ओ पी कितना आ गया थर्टी डिग्री अब हमको एंगल ए पी बी निकालना है ए पी बी तो एंगल या ए पी बी या ए पी बी ए पी बी कैसे निकलेगा तो इसका डबल हो जाएगा ये एंगल डबल टू थीटा हो जाएगा तो एंगल ए पी बी निकालने के लिए हम लोग एंगल ए पी बी इक्वल टू तो टू तो थीटा हो जाएगा क्योंकि डबल हो जाएगा आपका तो ए पी बी टू थीटा का वैल्यू थर्टी तो सिक्सटी डिग्री हो जाएगा आपका कितना डिग्री सिक्सटी डिग्री अब सिक्सटी डिग्री अब देखिए यहाँ से आपका सिक्सटी डिग्री ये टोटल सिक्सटी डिग्री निकल गया आपका बच गया ये तो एंगल ए पी बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंगल चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एंगल ए पी बी ए पी बी सिक्सटी डिग्री अब देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ से देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपका क्या है कि ये एंगल कितना डिग्री का एंगल जो टेंजेंट है आपका टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर द ड्रॉन द सर्कल टू आर आर ये किस तरह से ड्रॉ हुआ होगा तो सिक्सटी सिक्सटी डिग्री पर जैसे आपका ट्रायंगल सर्कल बनाने के लिए ये yes, सर्कल ये आपका सिक्सटी डिग्री पर कितना डिग्री पर जो ये पॉइंटर है आपका वन ट्वेंटी डिग्री का कितना डिग्री का बना है वन ट्वेंटी डिग्री का यह आपका सिक्सटी डिग्री यहाँ पर भी आपका इस पॉइंट पर भी आपका कितना डिग्री का बना है सिक्सटी डिग्री डिग्री ये भी सिक्सटी डिग्री और ये वन ट्वेंटी डिग्री और ये सिक्सटी डिग्री तो देखिए ये आपस में मिला देने से आपको किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा सिक्सटी 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 इक्वल लेटर टेंगल किस टाइप का इक्वी लेटर टेंगल बनेगा इक्वी लेटरल क्योंकि ऑल ऑल एंगल्स आर सिक्सटी डिग्री तो कौन सा ट्रायंगल होगा क्योंकि साइड्स दो साइड्स आर इक्वल तो दो एंगल्स भी क्या होगा आपस में इक्वल तो एंगल ये दोनों साइड्स आप टेंजेंट आपका इक्वल होगा तो एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल तो इक्वल हुए एंगल्स तो ये सिक्सटी ये सिक्सटी ये सिक्सटी तो किस टाइप का ट्रैंगल होगा इक्वी तो ट्रेंगल ट्रैंगल ए पी बी इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं इज इक्वल लेटर इज इक्वी लेटर ट्रेंगल इक्वी लेटर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट द कर्व ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया दिया हुआ आपका नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर द रेडियस ऑफ द इट्स बेस ऑफ द इज फिफ्टी सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द बेस इज फिफ्टी सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ तो कौन का सर्कुलर रेडियस दिया हुआ हाइट निकालने के लिए करा सरफेस चलते हैं हम लोग सरफेस एरिया का कौन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका तो कर्ब सरफेस एरिया ऑफ कौन कर्ब सर तो कर्ब सरफेस एरिया ऑफ कौन कौन का फार्मूला क्या हो जाएगा दिया हुआ आपका वन टू थ्री टू जीरो ये दिया हुआ कैप सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर एल कैप सरफेस एरिया पाई आर एल इक्वल टू वन टू थ्री टू जीरो पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर का वैल्यू फिफ्टी सिक्स आर का वैल्यू फिफ्टी सिक्स दिया हुआ है एल का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका वन टू थ्री टू जीरो चलिए इसको काटेंगे तो आपका कितने टाइम्स में कटेगा एट टाइम्स में चलिए काट देते हैं यह कितने टाइम्स में एट टाइम्स में एट टाइम्स में कट गया और ये एट से आपका यहाँ कितने टाइम्स में कटेगा आपका ये एल... ट्वेंटी टू एग... से काटो यदि वन से काटते हैं एलेवन टाइम्स में और ये टू से काटते हैं तो सिक्स टू जा जा ट्वेल्व सिक्सटीन टू और अब जीरो चलिए और इलेवन से फिर एलेवन से काटेंगे तो फि फाइव टाइम्स में सिक्स टाइम्स में जीरो ये काटेंगे तो सेवन टाइम्स में फिफ्टी सिक्स इट मीस एल का वेल्यू आपका आ गया कितना सेवेंटी चलिए एल का वैल्यू आया सेवेंटी तो यहां से एल का वैल्यू इक्वल टू आया तो हाइट हमको निकालना है तो हाइट निकालने के लिए हम लोग एल का वैल्यू आ चुका है चलिए यहाँ से एल का वैल्यू आ चुका है तो चलिए हाइट का वैल्यू निकालने के लिए एच इक्वल टू हमको निकालना है तो रूट अंडर क्या लगाएंगे रूट अंडर एल स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल का वैल्यू आपका सेवेंटी का स्क्वायर माइनस फिफ्टी का फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर तो ए स्क्वायर में एक बार सेवेंटी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी सेवेंटी माइनस फिफ्टी सिक्स इट मीन्स आपका कितना हो जाएगा जीरो सिक्स टूवेल इंटू सिक्स टू बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा आपका कितने का स्क्वायर फोर्टी टू का स्क्वायर फोर्टी टू का स्क्वायर ये किसका आएगा फोर्टी टू का चले फोर्टी टू सेंटीमीटर तो इज इक्वल टू तो फोर्टी टू सेंटीमीटर आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव आपका मिस्टर गर्ग द रिकॉर्डेड द मार्क्स बाय द हर स्टूडेंट इन फॉलोइंग टेबल्स द कैलकुलेट द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ऑफ़ क्लास फोर्टी फाइव कितना क्लास दिया है मॉडल मॉडल क्लास आपका फोर्टी फाइव तो यहाँ से आपका फोर्टी फाइव दिया हुआ फाइल द प्रिंटिंग ऑफ डेटा ब्लैक वाज़ द लेफ्ट फाइन द मिसिंग ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द टेबल बिल्लू फ्रीकुनसी ऑफ द टेबल निकालना है आपको देखिए मॉडल मॉडल दिया हुआ है मॉडल मार्क्स दिया हुआ फोटी फाइव तो मॉडल मार्क्स फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव ऑफ फोर्टी और सिक्सटी के बीच में भी आएगा तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा आपका फोर्टी फाइव से लेकर सिक्सटी मॉडल क्लास हो जाएगा फोर्टी फाइव से सिक्सटी चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स दिया हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं चूज कर लेते हैं यहाँ थोर्टी से फा से सिक्सटी मॉडल क्लास हो जाएगा आपका मॉडल क्लास हो गया फोर्टी से सिक्सटी एफ वन का वैल्यू आपका एफ वन रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी मिड जो एबसेंट फ्रीक्वेंसी है आपका तो और एच का वैल्यू कितना हो गया तो देखिए एज का वैल्यू आपका डिफरेंस इसका कितना तो आपका मॉडल क्लास फोर्टी से सिक्सटी आपका एज का वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी डिफरेंस कितना है ट्वेंटी चलिए एफ़ वन का वैल्यू फाइंड आउट करना है एफ़ वन का वैल्यू फाइंड आउट करना है जस्ट इसका एफ नॉट एफ नॉट जिसको एफ़ ज़ीरो तो टेन हो जाएगा जस्ट इसका ऊपर वाला आपका टेन और एफ़ टू एफ टू का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा एफ़ टू का वैल्यू आपका सिक्स एफ टू का वैल्यू सिक्स चलिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं मोड इक्वल टू तो मोड इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा आपका मोड इक्वल टू एल प्लस लोअर लिमिट एल प्लस एफ वन माइनस एफ एफ नॉट बटा टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू एफ टू इंटू एच क्या हो जाएगा इन टू एच तो मोड दिया हुआ आपका मोड कितना दिया हुआ फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव पुट कर दिया एल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा लोअर लिमिट कितना हो जाएगा फोर्टी से सिक्सटी लिए थे तो फोर्टी लोअर लिमिट प्लस एफ वन का वैल्यू का फाइंड आउट करना है चलिए एफ का वैल्यू आपका टेन और टू एफ वन टू एफ वन फाइंड आउट करना है चलिए एफ नॉट का वैल्यू आपका टेन माइनस और एफ टू का वैल्यू आया था सिक्स तो माइनस सिक्स इक्वल टू एच का वैल्यू ट्वेंटी चलिए यहाँ से फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी लेफ़्ट साइड लेकर आइए तो कितना बचेगा आपका फाइव सेप्रैक्ट होकर कितना बचेगा फाइव तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं फाइव इक्वल टू चलिए एफ वन माइनस टेन बाई टू एफ वन माइनस सिक्सटीन कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटीन इंटू एच आपका ट्वेंटी चलिए नेक्स्ट इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा फाइव बाई फो ट्वेंटी इक्वल टू एफ वन माइनस एफ वन माइनस टेन बाई टू एफ वन माइनस सिक्सटीन तो फाइव फोर जाए ट्वेंटी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा फोर एफ वन फोर एफ वन माइनस फोर्टी इक्वल टू टू एफ वन माइनस सिक्सटीन टू एफ वन ये एफ वन का वैल्यू इस तरफ लेकर आते हैं तो फोर एफ वन माइनस टू एफ वन इक्वल टू माइनस सिक्सटी सिक्सटी प्लस कितना हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा फोर्टी चले टू एफ वन इक्वल टू कितना बचा आपका सब टैड कीजिए आपको सब टैड करिएगा तो कितना बचेगा आपका फोर फोर में थ्री में से वन गया तो आपका सब टैक्ट होकर थ्री में से वन तो टू ट्वेंटी फोर कैंसिल आउट कीजिए टू से कैंसिल आउट करेंगे तो ट्वेल्व टाइम्स में कितने टाइम्स में ट्वेल्व टाइम्स तो ये फोन का वैल्यू कितना आ गया आपका ट्वेल्व आंसर आपका हो जाएगा टूवेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ़ द रितू बेयर द यंगर बाई द फाइव पीयर्स ऋतु यंगर्स कितने फाइव पीयर्स देन द सी ऑफ रियली देन द स्क्वा हर एज ऑफ द वुड बी विन इलेवन मोर देन द फाइव टाइम्स ऑफ द प्रजेंटेज प्रजेंट एज से फाइव टाइम्स वट इज द प्रजेंटेज तो हम लोग फाइंड आउट करना है उसी को हम लोग क्या कर देंगे लेट कर देंगे लेट द प्रजेंटेज प्रजेंट एज एज इक्वल टू एक्स ईयर्स क्या करेंगे एक्स ईयर्स एक्स ईयर्स परसेंटेज हम लोग क्या कर दिए एक्स ईयर्स अब चलिए रितु का परसेंटेज कितना हो गया एक ऋतु का किसका तो ऋतु का चलिए यहाँ से आपका कह रहा है कि रितु वेयर यंगर फाइव ईयर्स दैन द दे फाइव ईयर्स दैन मैंने यंगर तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा यंगस्ट दैन द सी रियली इज स्क्वायर ऑफ़ दर मोर वी है यहाँ से एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स ने कह स्क्वायर ऑफ़ द हर वुड तो स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ हर प्रजेंट मे फाइव टाइम्स फाइव एक्स फाइव एक्स हो जाएगा प्रजेंटेज का मोर देन इलेवन इलेवन मोर देन इलेवन यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू फाइव एक्स फाइव एक्स प्लस इलेवन ये आपका क्वेश्चन में ही का आता चलिए इतना हम लोग का इक्वेशन बन गया यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स माइनस फाइव फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव एक्स प्लस इलेवन चलिए स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो टू फाइव टू जा टेन एक्स टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू एलेवन चलिए फाइव एक्स स्क्वायर इस तरफ एकक्वायर आने दीजिए ये आपका माइनस फिफ्टीन एक्स हो जाएगा प्लस आएगा तो इस तरफ माइनस हो जाएगा तो माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स चलिए ये आपका बचेगा ट्वेंटी फाइव में से एलेवन गया तो आपका फोर्टीन फोटीन इक्वल टू ज़ीरो अब मल्टीप्लाई करके फोर्टीन और सब्टैक्ट और या ऐड करके आपको फिफ्टीन आना चाहिए तो आपका ब्रेक करिएगा फोर्टीन और माइनस वन में तो आपका ऐड करके क्या आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके फोर्टीन तो एक स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस फोर्टीन यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो चलिए यहाँ से दो को यहां से एक्स माइनस फोर्टीन और एक्स माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू फोर्टीन और एक्स इक्वल टू वन तो वन तो आंसर हो नहीं सकता वन ईयर्स का तो हो नहीं सकता क्योंकि पाँच वर्ष पहले जाना है तो पाँच वर्ष पहले जाना है तो आपको एक ईयर्स yes, मैंने वन ईयर्स yes का हो नहीं सकता चलिए फोर्टीन ईयर्स का हो सकता है आपका पॉसिबिलिटी तो इसको रिजेक्ट करेंगे ये रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका एक्स का कितना ईयर्स yes का होगा फोर्टीन ईयर्स का आपका एज कितना होगा फोर्टीन ईयर्स एज ऑफ रितु का एज एज कितना होगा फोर्टीन ईयर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेवन कि और भी दिया हुआ चलिए और भी दिया हुआ चलिए और में क्वेश्चन दिया हुआ सोल्व एक्स का वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है एक्स का वैल्यू जब भी ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसको ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे चलिए ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर देखिए इस तरह से ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा नाइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ था माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स पी एक्स माइनस सिक्स पी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये दिया हुआ था चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा नाइन बी का वैल्यू माइनस सिक्स पी और सी का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये आ गया यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डी का वैल्यू निकाल लेंगे डी इक्वल टू रूट एन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो रूट बी स्क्वायर मैंने माइनस सिक्स यहाँ से माइनस सिक्स का होल स्क्वायर करेंगे सिक्स पी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए का वैल्यू आपका नाइन और सी का वैल्यू आपका सी का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये वैल्यू चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे थर्टी सिक्स इसका थर्टी सिक्स पी स्क्वायर थर्टी सिक्स पी स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अब यहाँ से हम लोग d का वैल्यू आया थर्टी सिक्स पी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्टी सिक्स पी स्क्वायर थर्टी सिक्स पी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स पी स्क्वायर थर्टी सिक्स पी स्क्वायर और प्लस थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर क्या हो जाता थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर तो पी ए स्क्वायर से पी एस स्क्वायर कैंसिल आउट बचा क्या थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर तो डी का वैल्यू आ गया आपका थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी बने जस्ट लाइक like हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए चलिए माइनस भी कितना आपका दिया हुआ था माइनस भी आपका मैंने सिक्स पी तो सिक्स सिक्स पी हो जाएगा सिक्स पी माइनस पहले से ऑप्टेंड है तो माइनस माइनस प्लस तो सिक्स पी प्लस माइनस रूट अंडर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू ए टू ए का वैल्यू आपका नाइन हो जाएगा चलिए यहाँ से आपको सिक्स पी प्लस माइनस सिक्स क्यू सिक्स क्यू बाई एटीन क्या हो जाएगा एटीन चलिए यहाँ से सिक्स कॉमन हो जाएगा तो p प्लस माइनस क्यू बाई एटीन यहाँ से आपका थ्री टाइम्स में चलिए थ्री टाइम्स है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू आपका p प्लस क्यू बाई थ्री और एक आंसर P- माइनस क्यू बाई थ्री ये दोनों आंसर हो जाए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर